हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बुक्स परिवार। काफ़ी दिनों बाद आज खड़े हुए हैं हम रौला नदी के पुल पर, और सामने बिल्डिंग है हमारे श्रद्धे राजा जगदेव सामुदायिक भवन श्रद्धे राजा जगदेव के नाम से। और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी यहाँ बारिश का मौसम था, आज थोड़ी धूप निकली है, तो हमने सोचा कि ना आज आपको कुछ ना कुछ दिखाया जाए अपने चैनल के माध्यम से। तो आज हम जा रहे हैं गांव धूरिया, जहां पर भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत ही फेमस है मुड्डा बाबा के नाम से। आइए आपको दिखाते हैं, चलते हैं फिर। आज धूप खिली हुई है, सुहाना मौसम है। ये भाई लोगों बरेनी गांव की लोकेशन, पहुंच चुके हैं हम गांव बरेनी। ये फेमस बरेनी चौराया, ये गाड़ी जा रहा है नैनीताल की तरफ को, और हम भी मुड़ चुके हैं नैनीताल रोड पर। यह बरेनी चौराया एक छोटा सा शहर है और बहुत प्यारा शहर है। यहाँ की होटल बहुत फेमस है। बरेनी का पेट्रोल पंप ही है। यह हमारा बरेनी का राजकीय इंटर कॉलेज, यहाँ पर बहुत ही बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। ये पूरा बरेनी शहर है, हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी आपको। और मुड़ चुके हैं हम धूरिया के रास्ते पर। यह है धूरिया का रोड, अब आ चुके हैं धूरिया। यह बिजली का धूरिया का है, ये फेमस चौराया है गांव धूरिया का। यहाँ पर बाजार लगती है, काफी फेमस गांव है, सभी समाज के लोग रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ की लोकेशन देखने लायक है, अक्सर हम यहाँ पर आते हैं चाय पीने के लिए, आज पीते हैं चाय अपनी फेवरेट दुकान पे। हम आ चुके हैं गांव धूरिया पर, और काफ़ी फेमस होटल है ये राजेंद्र सिंह की, यहाँ की चाय बहुत फेमस है, अक्सर हम यहाँ ठंड पर चाय पीने के लिए आते हैं। वाह क्या टेस्टी चाय है, राजा दवाई होटल की चाय और समोसे बहुत फेमस है। कभी भी आप भूरे आओ इस होटल की चाय और समोसे खाकर जरूर जाना। हमारे साथ हैं राकेश सिंह गांव ठेड़ा से, और ये हमारे हरी सिंह भाई गांव करे से। आज निकले हम घूमने के लिए, सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है, अब आपको दिखाते हैं। चलो भाई लोग चलते हैं मुड्डा बाबा का दर्शन करने। अब घुस चुके हैं हम धूरिया गांव बुकसाड़ के अंदर, यहाँ से रास्ता जाता है मुड्डा बाबा का। ये पूरा गांव है बुकसार, बहुत ही सुंदर गांव है ये हमारे बुकसार का गांव धूरिया। इस गांव के बीच से होते हुए रास्ता जाता है मुड्डा बाबा शिव मंदिर पे, आपको दर्शन कराएंगे, बने रहे हमारे साथ। गांव के बाहर हो चुके हैं हम, पहुंचने वाले हैं मुड्डा बाबा फेमस मंदिर पर। ये बन चुकी है, ये है मुड्डा बाबा का रास्ता, तो बिल्कुल जंगल के अंदर है। सुना है काफी फेमस मंदिर है, यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है, युवा साथी क्रिकेट का मजा लेते हुए। चार पांच दिन बाद आज मौसम खुला है, हम आए हैं मुड्डा बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हमारे बच्चे युवा साथी क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए, क्या लोकेशन है। कुछ बंदों से मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? आपका अमित। आपका रंजीत खिलाड़ी। आपका? और आपका? उदय सेट्टी। किस गांव के हो आप? धूरिया के नाम फतेहगंज के हैं, धूरिया में खेलने आए हम। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
अरे मारक का करा तू मार। ये हमारे हरि सिंह भाई क्रिकेट खेलते हुए। ये हमारी बहुत ही सुंदर विलेज लाइफ, बने रहे, आगे आपको दिखाते हैं। मुंडा बाबा, बारिश की वजह से थोड़ा रास्ता खराब है, इसलिए हमें बाइक अपनी बाहर रखनी पड़ी और हम चलते हैं पैदल। आपको दिखाते हैं मुंडा बाबा के दर्शन। हम पहुंच चुके हैं मुंडा बाबा के मंदिर पे। ये है गेट मुंडा बाबा मंदिर की, जो गांव धूरिया में है, काफ़ी फेमस मंदिर है। ये हमारे साथी घर जाते हुए गेट को खोलते हुए, आ चुके हैं हम मुड्डा बाबा के मंदिर में। यह फेमस मुड्डा बाबा भोलेनाथ का मंदिर, आइए आपको अंदर दिखाते हैं और यहाँ पर कोई ना कोई होगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर ये कार्य प्रगति पर है, सभी लोग मिलकर यहाँ इस मंदिर का काम करा रहे हैं और भी इसे भव्य बनाने के लिए। जय हो मुड्डा। जय हो मुंडा बाबा की। यह काफी प्राचीन शिव भोले का मंदिर, ये हमारे काफी फेमस मुंडा बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। आइए आगे और दिखाते हैं मंदिर के बारे में, इसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है। यहाँ पर माता शिरावाली भी विराजमान है। पूरी मंदिर की लोकेशन देखिए, ये हमारे बालाजी भगवान है, बहुत अच्छी लोकेशन बना रखी है यहाँ की प्रबंधक कमेटी ने। आगे देखते हैं किस चीज का मंदिर है। ये हमारा काली माता का मंदिर, यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल साफ सफाई। विष्णु हाँ लिखला है ना, हाँ कुछ दिन पहले लिखला था वो। हाँ अभी बना हुआ है, चलो आते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि विष्णु भगवान का चक्र भी है, सुदर्शन चक्र, आपको दिखाते हैं वो भी। पहले आप देखिए, देवों को देव, महादेव, महाकाल, शिव भोले जी हैं। एक बार मैं मत्था टेक जाता हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की, धन्य हो गए आपके दर्शन करते हुए। जय हो। आगे दिखाते हैं विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र। बोला शंकर भगवान की जय। यहाँ पर गार्डन बना रखा है, बहुत ही अच्छा। समय समय पर यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, मेले लगते रहते हैं, बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर भोले का भंडारा, कीर्तन, मेले, जागरण आदि सभी धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं और काफ़ी संख्या में इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है। इसकी एक विशेषता है, ये जंगलों के बीचों बीच है। आइए आगे आपको और दिखाते हैं हम सुदर्शन चक्र। बहुत ही सुंदर इन्होंने लोकेशन बना रखी है, देखने लायक। पीपल का पेड़ है,
काफी पुराना। यह सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान जी का यहाँ की मान्यता है, यहाँ के लोग कहते हैं। इस समय जरा बरसात की वजह से थोड़ा घास घूस है और यहाँ पर साफ सफाई कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर एक मंदिर और है, आइए देखते हैं किस चीज़ का मंदिर है। गाय चुंगती हुई बीचों बीच जंगल पर है ये। भैया संभल गए, संभल गए भैया। ये गौरा पार्वती का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर इन्होंने बना रखा है। वास्तव में देवभूमि उत्तराखंड में मंदिरों की बहुत ही मान्यता है, बहुत ही प्राचीन प्राचीन मंदिर है। बताने वाले बताते हैं, ये जो एक्चुअली निकल रहे थे रात। क्या कहना राकेश भाई आपका? जैसे कि यहाँ आना जाना मेरा अच्छा लगा रहता है धूरिया ग्राम में। यहाँ के लोग एक्चुअली यहाँ मुझे मिलते रहते हैं। उसके बाद में कोई लोग बता मैं यहाँ का जब मंदिर रातों में निकल रहे, जैसे सुबह भाई किसी लोगों ने देखे तो अचानक ही वहीं के वहीं रुक गए, और शायद ये ना देखते तो शायद और भी बड़े भोलेनाथ का मंदिर और भी ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, सुना आपने, ये मान्यता है यहाँ की। अब चलते हैं हम इस मंदिर के बारे में, यहाँ के महंत जी से पूछते हैं इस मंदिर की विशेषताएं। तो आपको हम मिलाते हैं यहाँ के महंत जी, इनसे ही पूछते हैं मतलब इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले महंत जी आपको प्रणाम। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए, पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। लक्कड़मणि बाबा। लक्कड़मणि बाबा, हाँ जी। तो आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हो? बचपन से सेवा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब इस मंदिर की क्या मान्यता है, यहाँ मतलब लोग बार कैसे आते हैं, क्या है ये जंगलों के बीच है? हाँ जी, यहाँ ये सोमवार के दिन यहाँ पर बहुत जगह आते हैं, अच्छी वो है, यहाँ पर मानता है, सब खुशहाली रहते हैं और सही रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है। हाँ जी। और इसमें मतलब किस नाम से ये मंदिर फेमस है, मतलब इस जगह का नाम क्या है? यहाँ का जगह का नाम है धूरिया गिरगंडा मंदिर और मोटे सर महादेव उससे यहाँ मशहूर। इस जो मंदिर, यहाँ की जो लोकेशन है, इस मंदिर का नाम है मुडेश्वर शिव भोले मंदिर। ये धुरिया रायखत्ता प्लॉट नंबर 12 में आता है, जंगलों के बीचों बीच है, और यहाँ की काफ़ी मान्यता है, काफ़ी भक्त लोगों की यहाँ पर इच्छा पूरी हुई है। छोटे मोटे यहाँ कार्यक्रम, बड़े से बड़े कार्यक्रम भी यहाँ पर हुए हैं। तो बाबा जी यहाँ पर हम देख रहे हैं अक्सर, जैसे कि आप वहाँ पर रह रहे हो, ये जो आपकी कुटिया है ये काफी जंगल में है, यहाँ पर जानवरों का भी खतरा रहता है, इस तरह कोई, इस तरह से कोई सरकार ने कोई धर्मशाला या कोई यहाँ पर योजना दी है? ना ना, कोई नहीं दी है। तो आपने मांग की? मांग तो की थी हमने, मगर उन्हें दी नहीं। अच्छा, दी नहीं? हाँ। चलो हम अपने वीडियो माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे, यहाँ के जो भी, अब तो इलेक्शन टाइम है, अब जो भी भविष्य में कोई भी यहाँ का विधायक या मंत्री बने, तो यहाँ एक बार मुडेश्वर मंदिर धूरिया के हालचाल जाने, और यहाँ पर काफी लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी सेवा दें। बाबा जी की मांग है यहाँ पर धर्मशाला होना चाहिए, यहाँ पर नल की व्यवस्था भी नहीं है, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दूरदराज हमारी महिलाएं भी आती हैं तो उन्हें काफी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी समस्या है, आप यहाँ पे आओगे तो बाबा जी आपको बताएंगे क्या समस्या है। बाबा जी मंदिर मतलब किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया, महात्मा जी से हमने बनाया, बाबा डमरू वाले। बाबा डबरू वाले के नाम से कोई बाबा थे, उनके सहयोग से, और संतोष भारती के नाम से कोई व्यक्ति थे, उन्होंने काफ़ी योगदान, और सभी लोगों ने योगदान दिया है, पूरे गांव के और जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं, तो सबके सहयोग से ये मंदिर बना है। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई योजना नहीं, एक ईंट एक पत्थर नहीं लगाया गया है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, और ये बहुत ही फेमस मंदिर है, ये बुक्सार में, गाँव धूरिया, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर, देवभूमि उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर है। एक और हमें अंकल जी मिले हैं, पूरे गांव के प्रधान। हाँ जी, यहाँ पर अपनी सेवा देते रहते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमनाम भारत सिंह जी। सुमनाम भारत सिंह जी। हाँ जी। तो जैसे कि बाबा जी ने बताया काफी प्राचीन मंदिर है, तो आप भी इसमें लगे रहते हो, तो यहाँ पर और क्या क्या मतलब क्या क्या यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं? कार्यक्रम यही होते रहते हैं, जैसे भंडारा। मतलब कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ
सभी जगह के लोग आते हैं। यहाँ पर कोई मेला टाइप का भी लगता है कुछ? सोमवार के दिन, सोमवार के दिन। हाँ, तो जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर हर सोमवार को यहाँ पे मेला लगता है, काफी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, तो आप भी यहाँ पर आए सोमवार के दिन और जो भी आपकी इच्छा है, मन्नत है, यहाँ भोले बाबा से मांग कर जाए। शिवरात्रि में यहाँ मेला हला भी लगता है, मेला हला भी लगता है, कांवड़ चढ़ती है। कुल मिला के यहाँ का जो साल निकला, यहाँ पे हर शिवरात्रि में एक भव्य मेला लगता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। मेरा सभी से निवेदन है जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार यहाँ पर जरूर आए। ये धूरिया गाँव में यहाँ पर मंदिर है, नैनीताल और उधम सिंह नगर की बॉर्डर पर ये मंदिर है और बहुत ही अच्छी जगह है देखने लायक, काफी प्राचीन मंदिर है ये, तो यहाँ पर जरूर आए। आप देख रहे हो YouTube चैनल भुक्सा परिवार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, नमस्कार।